नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 सितंबर 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की हर एक बड़ी अपडेट को इस वीडियो में देखेंगे। यूपी टेट, सी टेट एग्जाम डेट 2022 की बड़ी अपडेट को देखेंगे। आवेदन शुरू, अंतिम तारीख, हर एक अपडेट। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आपको बताएं, 69,000 भर्ती में आरक्षण घोटाले पर चर्चा हो रही है। जी हाँ, इस वैकेंसी में ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी छात्रों के साथ एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हुई है। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे जूनियर शिक्षक भर्ती 1894 वैकेंसी के बारे में आपको पता होगा, जिसमें 1504 सहायक अध्यापक के पद है। देखिए, अगर बच्चे ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पर भी आरक्षण का घोटाला हो सकता है। तो देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण घोटाला किसने पता किया आपको पता है? बच्चों ने, दोस्तों, ढूंढ कर निकाला। जी हाँ दोस्तों, कोई अलग से एजेंसी नहीं लगी थी, जांच नहीं हो रही थी, एसटीएफ नहीं लग गई कि भैया घोटाला हुआ कि नहीं। जी हाँ, बच्चों ने खुद से मतलब सब कुछ किया। उसके बाद पूरी अपडेट आपको बताएंगे। एक और अपडेट दे रहा, देखिए, शिक्षक भर्ती कहीं बगैर पद किया गया चयन, कहीं नियुक्ति से इनकार। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला, भी बताएंगे आपको। उसके बाद देखिए, बीएड की काउंसलिंग 30 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक की अपडेट आपके सामने रखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं, आरोप झूठे थे, ओएमआर सीट सच निकली। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 63,000 पद खाली। ये बड़ी खबर है और आने वाले समय में दोस्तों कंफर्म है कि 63,000 पदों पर वैकेंसी आएगी। तो आपकी तैयारी दोस्तों 100% होनी चाहिए कि जब वैकेंसी आए तो कहीं से भी आप दिक्कत में ना पड़े। ठीक है, पूरी अपडेट को देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे कोरोना केसेस को लेकर। 24 घंटे में हमारे देश में 2,814 कोरोना के नए मामले सामने आए। तो एक एक करके आज की तमाम बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। बात होगी शिक्षक भर्ती के बारे में, और देखिए आपके मन में कुछ बड़े सवाल होंगे कि अगर इस साल वैकेंसी आएगी तो क्या कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। बड़े बदलाव का मतलब यह था कि आने वाले समय में एक बार ये कहा गया था कि 1/4 अंक टेट का लिया जाएगा, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट। तो इसीलिए बच्चे बार बार टेट का पेपर देते हैं और अपना स्कोर हर बार ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करते हैं। मतलब सोचते हैं कि 120 से अगली बार 130 हो जाए, 140 हो जाए। नहीं तो आप देखते होंगे हर साल लाखों बच्चे पेपर क्यों दे रहे हैं, बस इसी वजह से दे रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में टेट का पेपर का जो नंबर है उसको भी जोड़ा जाए। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबर को इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आरक्षण घोटाले को लेकर। सेफ जोन पर भी बात होगी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, बीएड वर्सेस बीटीसी, सुप्रीम कोर्ट की जो भी अपडेट है, कोर्ट की जो भी अपडेट है, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। स्पेशली यूपी में क्या हो रहा है, हर एक जानकारी देखेंगे। अपडेट है प्रयागराज से, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आरक्षित वर्ग ओबीसी व एससी के अभ्यर्थियों ने आजाद पार्क में हाई कोर्ट में होने वाली आरक्षण घोटाले की सुनवाई को लेकर चर्चा की है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कश्यप ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस भर्ती में 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण घोटाला करके उन अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जिन्हें बाहर हो जाना चाहिए था। आप समझ सकते हैं दोस्तों, 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला। जी हाँ बच्चों की भैया, यही है अपील की 19,000 पदों पर मतलब आरक्षण घोटाला है। मामला कोर्ट में जाएगा, जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस अपडेट को जरा देखने पहले, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम में अंक घटा दिए जाने और अवैध इनवैलिड घोषित कर दिए जाने के अभ्यर्थियों के आरोप कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक नहीं सके। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव ने प्रत्यावेदन देने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर स्कैन, उनकी मूल ओएमआर सीट बारी बारी से दिखाई तो उनके आरोप गलत निकले। ओएमआर सीट पर गलती देखकर अभ्यर्थी लौट गए। प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504 पदों की वर्ष 2021 की भर्ती परीक्षा का परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया था। इसमें 132 अभ्यर्थियों को कम अंक दिए जाने की गड़बड़ी की पुष्टि होने पर शासन ने परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराया था। 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया गया, तो बड़ी संख्या में उलटफेर हो गया। जिनके अंक कम हो गए थे या सीरीज अथवा विषय गलत भरने के कारण अवैध हो गए थे, उन्होंने पीएनपी में प्रत्यावेदन किया। प्रत्यावेदन देने वाले अभ्यर्थियों को पीएनपी सचिव ने 1 सप्ताह के बाद बारी बारी से कार्यालय बुलाया, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी स्कैन कराई। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि करीब 250 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिए हैं, इनमें से 100 से ज्यादा को उनकी मूल ओएमआर सीट अब तक कंप्यूटर पर दिखाई गई, जिसमें किसी के भी अंक या अवैध की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है।
देख सकते हैं ऐसे में प्रश्न और जवाब। महिला अभ्यर्थी ने क्या कहा, ये देखिए मेरी ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, पहले हमें 134 अंक मिले थे, अब 117 कैसे हो गए। फिर सचिव जी कहते हैं देखिए अपनी मूल ओएमआर सीट, कई प्रश्नों के उत्तर में एक गोले को पूरा काला किया गया है और दूसरे को अधूरा, इसी कारण से इसके अंक नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये बात दोस्त यहाँ पर सामने आई। फिर प्रश्न होता है पहले तो इसे सही मानकर अंक कैसे दे दिए गए थे। सचिव जी बोलते हैं ऐसी ही गड़बड़ी के कारण संशोधित परिणाम जारी हुआ है, अन्यथा संशोधित क्यों किया जाता। तो महिला तनतनाते हुए निकल गई। फिर देखिए महिला अभ्यर्थी बोलती है मेरे पहले 102 अंक थे, अब 100 कैसे हो गए। सचिव जी ये देखिए गोले को काला करने में गड़बड़ी की गई है। पुरुष अभ्यर्थी बोलते 109 अंक मिले थे, अब 3 अंक कैसे घट गए, ये देखिए ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी। सचिव जी दिखाते हुए एक गोले को पूरा काला किया गया, दूसरे को आधा किया गया, इससे इसका मूल्यांकन नहीं हो पाया। जरा इसको ध्यान में रखिएगा गाइस आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलतियाँ हुई ये गलती आप रिपीट नहीं करेंगे, इसीलिए ये हम अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। एक और बच्चा कहता है कि पहले 124 अंक मिले थे, अब शून्य कैसे हो सकता है। सचिव आपने प्रश्न पुस्तिका दूसरे सीरीज की हल की है और ओएमआर सीट पर दूसरे सीरीज के संकेतांक को काला किया है, यह अवैध है। मतलब सोचिए पहले किसी बच्चे को 124 नंबर मिला था, वो सीधे क्या हो जाता है, जीरो नंबर हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको हीरो से जीरो बना सकती है। जी हाँ दोस्त, आप हीरो से बन सकते हैं जीरो। तो गलतियाँ आपसे नहीं होनी चाहिए। हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, छोटी अपडेट हो बड़ी अपडेट हो। वीडियो के अंत में इस अपडेट को देखना जरूरी है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने विधानसभा में विधायक प्रसन्न कुमार और मनोज कुमार पारस के एक सवाल के जवाब में बताया कि प्रसिद्ध स्कूलों में करीब 63,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इनमें ग्रामीण स्कूलों में 51,112 और शहरी स्कूलों में 12,149 पद खाली है। प्रसिद्ध स्कूलों में शिक्षकों के 5,80,084 पद सृजित हैं। प्रदेश में अनुदेशक व शिक्षा मित्र समेत कुल 6,28,915 शिक्षक कार्यरत हैं। ठीक है, तो ये अपडेट हो गई। तो बीएड काउंसलिंग की अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएड की काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगी। 10 अक्टूबर से 200 सत्र प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन आपको बता दें डीएलएड की जो क्लासेस है वो शुरू हो चुकी है। तो ढेर सारी अपडेट आज हमने देखा। एक बात आज आप वीडियो में सीखे होंगे कि जब आप यूपी टेट का या सी टेट का पेपर इस बार देने जाएँ, ठीक है, और स्पेशली आपको हम बताना चाहेंगे सुपर टेट का। चलिए टेट का पेपर आप बार बार देते रहते, मौका मिलता रहता, लेकिन सुपर टेट में अगर आपसे गलती हो गई तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा। एक बात आपको यहाँ पर और बताना चाहेंगे वीडियो के अंत में। अब देखिए सीटेट का पेपर जब ऑनलाइन हो रहा है तो यहाँ पर आपको एक बड़ा फायदा देखने को मिलता है। कभी कभी ऑफलाइन में क्या होता है कि मान लीजिए जैसे 4 विकल्प हैं ए बी सी डी, ठीक है, गलती से दोस्तों आपने क्या किया कि सी को या डी को थोड़ा सा काला कर दिया, लेकिन आपको पता चला नहीं यार ए वाला विकल्प होगा, तो ए को आप पूरा ऐसे काला कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब डी को थोड़ा सा किया रहता है तो इस क्वेश्चन को हो सकता है कि चेक ना किया जाए। यही सब दोस्तों दोबारा जो रीचेकिंग हुई कॉपी वहां पर ये सब को भी देखा गया, इसी वजह से काफी बच्चों के नंबर कम हो गए, काफी बच्चे फेल हो गए, यही रीजन था। इसको ध्यान में रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया जहां पर आप सुप्रीम कोर्ट की अपडेट और सेफ जोन हर एक अपडेट प्राप्त कर पाएंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।